नमस्कार, मैं हूं रचना रावत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर। शनिवार यानी आज देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में नगर निगम कर्मियों द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना के नियमों के तहत नियमों का पालन न करने वाले लोगों की चेकिंग भी की गई। वहीं इस बीच 6 नंबर पुलिया सब्जी मंडी पर भी लोगों की खासा भीड़ देखने को मिली, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ती नजर आई। इस बीच उत्तराखंड खबर की टीम निरंजनपुर मंडी पहुंची, जहां पर कड़ी धूप में पुलिस कर्मी चेकिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद कुछ ही देर में सहेली ट्रस्ट की टीम ने पुलिस कर्मियों को हर दिन की भांति भोजन वितरित किया। कोविड टाइम पे हम लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे थे समाज को, तो जो भी हॉस्पिटल में जो अटेंडेंस होते हैं और पेशेंट्स को भी खाना जाता है और पानी वगैरह भी सर, और इवन जो भी चेक पोस्ट पे आज भी खड़े हैं, क्योंकि इतनी धूप में खड़ा होना भी बहुत आसान नहीं है। तो हम लोग खुश हैं कि कितना हम लोग प्रोवाइड कर पाए हैं। एंड इसके अलावा हमारा ऑक्सीजन लंगर भी लगा हुआ है झारखंड में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आ सकता है, वो यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन वहाँ पे। इवन डॉक्टर्स भी अवेलेबल है वहाँ पे, नर्सेज भी है, कोई प्रॉब्लम होती तो उसको। 15 लोग हैं तो हम लोग तो उतना मतलब पूरा देहरादून भी करना बहुत मुश्किल है, तो जहाँ से हम लोग निकलते हैं माजरा से इस साइड से, फिर हम दून हॉस्पिटल से, फिर घंटाघर, फिर ऐसे ही मतलब हम एक पूरा ग्राउंड लगा लेते हैं, इतना ही हम लोग कर पाते। हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जितना भी आपसे हेल्प हो पा रही है आसपास, आप लोग ज़रूर करिए। और जैसे मतलब लोग इतना भी डर रहे हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डर रहे हैं और नहीं ले जा रहे हैं, वहीं आईएसबीटी में एस्क्लेपियस वेलनेस फाउंडेशन द्वारा भी जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ देखिए किशोर रावत की रिपोर्ट।